अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान अब्बास। मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगज़ीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आपका दोस्त, आपका होस्ट। और आज आप जैसे कि बैक पे मेरे देख रहे हैं कि जो छत जिस छत पर हम आए हुए हैं, ये छत है जनाब उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब ऑफ लाहौर, उनकी छत पर हम शौक कर रहे हैं और आपको भी शौक करवाते हैं जी। कौन कौन लोग ऑनलाइन है अभी देखते हैं, अभी तो सिर्फ एक ही शख्स हैं जो आ रहे हैं, अरमान इलाही साहब आ गए, 14 लोग हो गए हैं माशाल्लाह जी। कबूतरों को इस वक्त दाना डाला गया है, कबूतर दाना खा रहे हैं। तो जनाब उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब ऑफ लाहौर की छत पर हम इस वक्त शौक करेंगे अरमान इलाही साहब, और हमारा इंशाल्लाह दूसरा शूट भी पहला यहीं से आएगा जो कि हमारा बाकायदा तौर पर TV चैनल के लिए होगा। और उसी का शौक कर रहे थे तो सोचा कि आपको यहाँ पे भी शौक करवाते चलें। तो पहले आपको उनकी छत दिखाते हैं। वालेकुम अस्सलाम, पहली दफ़ा दिन में इस वक्त हम आए हैं यहाँ पे। ये एक साइड है जी, ये दूसरी साइड। जनाब उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब ऑफ लाहौर, उनके कबूतर। बहुत शुक्रिया जी। ये देखें कितना खूबसूरत कबूतर है। कमगर कबूतर हैं जी, प्रिंस कबूतर और जांगली ब्रीड जो है जनाब अशरफी भट्ट साहब के। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र जशान भट्टी साहब, अरमान खान लोधी साहब जी, ज़रूर आपको भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द मुलाकात होगी आपसे। और ये इफ़ी भाई छत पे तमाम तर कबूतरों को संभालते हैं, और इस वक्त भी वो कबूतर देख रहे हैं, कोई पता नहीं ऊपर हैं कबूतर, कुछ तैयारी चल रही है यहाँ पे अगले सीजन्स की। बहुत शुक्रिया बशीर भट्ट साहब। ये देखें इफ़ी भाई ऊपर चढ़े हुए हैं। इफ़ी भाई बंद कर रहे हैं कि अभी घेर रहे हैं कबूतरों को? और ये वाला नहीं करना बंद, ये वाला। इफ़ी भाई ने दोनों बच्चे जो हैं वो बंद कर दिए, और ये जनाब उस्ताद कामिल जैदी साहब अब आ गए। ये जी कमगर कबूतर आपको दिखाए हैं, इनके मेन ब्रीडर प्रिंस ब्रीड, और जिन लोगों को तमन्ना और ख्वाहिश है उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के असल कबूतर टेडी कबूतर देखने की, तो वो भी देख लें जी। ये उनके असल टेडी कबूतर जो कि अपनी प्योर हालत में मौजूद हैं जनाब उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब की तरफ। कबूतर दाना खा रहे हैं इसलिए हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। वालेकुम अस्सलाम कुरम याज साहब, बहुत शुक्रिया सबका जी। खुर्रम यार सब प्रोफेशनल कबूतरबाज मैं समझा नहीं हूँ इसका मतलब,
बहरहाल बिल्कुल ये कबूतर परवर हैं जी, बहुत अच्छे। और इफी भाई जो है यहाँ पे काम करते हैं, नहीं जी कामिल जैदी साहब एक कबूतर लेके आए हैं, मादा है ये प्रिंस में से जी। इधर हूँ ज़रा लाइट में दिखाते हैं, ये कामिल जैदी साहब को देखिएगा, ये देखें जी उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब के प्रिंस कमग्गर। ज़रा इसकी पर दिखाएं, ठीक है ऐसे ही रखें, जबरदस्त। इलियास लतीफ साहब कह रहे हैं जी एक नंबर है जी, बेहतरीन कबूतर है, बिल्कुल जी ये एक नंबर कबूतर है, कमगर कबूतर, और ये प्योर हालत में है। क्यों जी कामिल भाई, बहुत ही आला छत का मंजर है जी, ये देखिए आपको छत को एक और तरीके से दिखाते हैं। जालों में भी कबूतर है, ये पीछे रूम है बैठने के लिए, शायद मलंगी साहब भी देख रहे हैं, इमरान चहल साहब और तमाम लोग देख रहे हैं इस वक्त, ये बैठने के लिए जगह, और यहाँ पे उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब खुद भी तशरीफ फरमाए। जनाब उस्ताद नासिर खान साहब जो कि मशहूर है उस्ताद नासिर बिल्ला के नाम से, ये देखें जी और ये देखें जी, सैयद अदनान हुसैन शाह साहब भी आ गए यार। ये कामिल भाई ये गहरे वाले कौन से हैं, डब वाले? ये डब वाली है मादा? हाँ जी। एक जरा चौधरी साहब वाला कबूतर तो ले आइएगा। उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के कबूतरों में से एक कबूतर आपको जी उसका शौक करवा देते हैं। राजा अदर साहब भी आ गए हैं, बशीर भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। ये लाइट्स, ये जाल, इधर जाल, इधर जाल, और ये एक सबसे मजबूत और बड़े अच्छे लोहे का काम, ये मोटी जाली। 50 लोग देख रहे हैं, और अब देखें जी उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के असल कबूतर जिसके पीछे दुनिया पागल हुई हुई है इस वक्त, पूरे ज़माने में ये मशहूर हैं, और मशहूर व मारूफ कबूतर, मशहूर व मारूफ उस्ताद, और जिस छत पे हैं ये भी मशहूर व मारूफ छत है जी। ये कौन से वाले हैं जी, सखी मोहम्मद भट्टी साहब वाले हैं जी, ये उनके प्योर टैडी कबूतर हैं जी, जिन्होंने उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के कबूतर देखने हैं वो देख सकते हैं। ये वही कबूतर हैं जो उनके घर में जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और ओरिजिनल हालत में ये यहाँ पर मौजूद हैं। ये उनके उस्ताद मोहतरम ने ही, मतलब के उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब ने ही उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब को दिया। इसकी मादा आप लेकर आएंगे जी, वो ये देखिए इफी भाई भी अपने शौक में मगन है, ये देखें ये देखें ये देखें, इफी भाई क्या देख रहे हैं ऊपर, ऊपर कबूतर है, अभी भी कबूतर हैं ऊपर, वरना हम ज़रूर इसको भी कवर करते जी। ये आ गया आ गया आ गया आ गया, वो रहा वो रहा वो रहा, ये आया, उड़ान है पहचान, सेगमेंट उड़ान है पहचान आप देख रहे हैं जी, और ये कामिल भाई आ गए। ये देखें जी पहले तो ये रंग देखें, ये चीज़
बहुत शुक्रिया उमर कैनी साहब, दानिश काजमी साहब। जल्दी ये तमाम शौक आपको सोशल मीडिया से उठा के टीवी मीडिया पर आपको दिखाया जाएगा जी, और ये काविश भी आपके भाई के सरी जाएगी इंशाल्लाह। हमारी पूरी कोशिश है, आप लोगों का तावन दरकार है, और अभी भी हम उसी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे ये शूट्स होंगे आपको बताते चलें, वो मैगज़ीन में भी प्रिंट करेंगे, टीवी पर भी आएगा, टीवी की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर जगह आप देखेंगे। मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगज़ीन का ये सेगमेंट उड़ान है पहचान की, ये तमाम प्रोग्राम्स आपको नज़र आएंगे। इसके बाद चंद ही दिनों तक कुछ टीवी चैनल्स में से, अभी हमारी बातचीत चल रही है 2 से 4 टीवी चैनल से, और ज़रूर एक ना एक टीवी चैनल पर हम आपको दिखाएंगे। ये बच्चों की तैयारी, ये जी गजनपुर भाई, ये छत है जनाब उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब ऑफ लाहौर की, उस्ताद बाउशम्स पार्टी, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे लाहौर की सबसे बड़ी और सबसे अहम पार्टी है। ये देखें, आपको सेटअप दिखाएं जी, सिंध में आप देख सकते हैं, ये सिंध से हैं जनाब उस्ताद गजनपुर मेहर साहब, चीफ ऑर्गेनाइज़र सखर और चेयरमैन सखर। ये देखें जी सेटअप, इनको भी वेलकम करते हैं जी, शाहिद मलंगी साहब, थैंक यू वेरी मच, तसव्वुर शाह साहब, माजिद हुसैन साहब, असद मलिक साहब, वालेकुम अस्सलाम। तो जी ये छत थी जनाब उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब की, जो कि आपको दिखा रहे थे मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगज़ीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में। और इस वक्त यहाँ से आपका दोस्त, आपका होस्ट कामरान अब्बास फौरी तौर पर आपसे चाहता है इजाज़त, फिर किसी और जगह, किसी और छत पर, किसी और शौक और किसी और ज़ौक के साथ आपसे फिर से करेंगे मुलाकात, ताकि आप देखते रहें हमारे इस शौक़ को, और इस शौक़ के साथ साथ जितने भी लोग मौजूद हैं इस शौक़ में उन तमाम लोगों के इंटरव्यूज़ भी आपको देंगे, और साथ साथ आपको बताते चलें ये टीवी पर लेकर जा रहे हैं इस शौक़ को हम, और उसके लिए आप लोगों की तमाम तर हमें ज़रूरत है ताउन की और मदद की, ताकि आप लोगों के शौक़ को भी हम लेकर जाएँ टीवी पर। और ये पहली दफ़ा होगा कि पाकिस्तान में कबूतर परवरी पर प्रॉपर तौर पर एक प्रोग्राम किया जाएगा, जो कि महीने में 2 से 3 दफ़ा चलेगा टीवी पर। तब तक दीजिएगा अपने दोस्त, अपने होस्ट को इजाज़त।